शहर के अनेक हिस्सों में बुधवार को जल प्रदाय नहीं हो सका। इसका कारण जलूद में हुए फॉल्ट को बताया जा रहा है, जिसके चलते शहर की 12 टंकियां खाली रही। निगम ने दावा किया कि जल्द ही फॉल्ट को ठीक कर लिया जाएगा। बुधवार को शहर के अनेक क्षेत्रों में लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ा। जलूद में हुए फॉल्ट के चलते शहर के कई हिस्सों में नर्मदा का पानी नहीं पहुंच सका और करीब दर्जन भर टंकियां खाली रही। जलूद के अंदर कल रात को लगभग 8:45 बजे हमारे फर्स्ट सेकंड फेज के पंप बंद हुए थे, उसके कारण हमारा जल प्रदाय प्रभावित हुआ है। साथ में रात को 11 बजे के आसपास हमारा जो थर्ड फेज का पानी है वो भी एक वाल लीकेज होने के कारण उसका भी पानी बंद हुआ था। जो थर्ड फेज पूरा 360 ml जो है सुबह लगभग 6:45 बजे चालू हुआ है और फर्स्ट सेकंड फेज के भी पंप चालू हो गएंगे। और अभी हमारी लगभग 12 टंकियां खाली रह गई हैं, जिसमें प्रगति नगर, बिलावली, अन्नपूर्णा नगर, छतरीबाग, तिलक नगर और ये सी लगभग 12 टंकियां खाली रही हैं। और शाम तक ये पानी की स्थिति सामान्य होने की संभावना रहेगी। अगर ये ऐसा ही पानी चलता रहा तो शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, अभी पानी की इतनी किल्लत नहीं है। टंकियों के पूरी तरह से खाली रहने के कारण कई घरों में नलों से पानी नहीं आया। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात जलूद में नर्मदा पेयजल योजना के द्वितीय चरण के पंप बंद हो गए थे और तृतीय चरण के पंप में भी खराबी आ गई थी, जिसके चलते इन पंपों के माध्यम से इंदौर को मिलने वाले 360 ml पानी के स्थान पर 270 ml पानी ही मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज़, इंदौर।